चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा छठवीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 11 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। 11वां चैप्टर था प्रकाश, छाराएं, छायाएं एवं परावर्तन। आज बात करेंगे विद्युत तथा परिपथ के बारे में। याद रखिए एनसीईआरटी से संबंधित आपके जितने भी चैप्टर हैं वो सभी आपको एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। विद्युत तथा परिपथ याद रखिए, जन टेंशन मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जितने भी आपके 8वीं तक की एनसीईआरटी हैं कहानी का एक रूप दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक दो बार में। उस शुरू में टेंशन मत लीजिए और लास्ट में इसका अगर नहीं समझ में आता है लास्ट तक तो एक निष्कर्ष दिया जाता है, उसके प्रमुख शब्द दिए जाते हैं जो आपको समझाए गए हैं इस अध्याय में। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आपकी कमी है, फिर अभी दोबारा आप पढ़िए, ठीक है, तब आपको जरूर समझ में आ जाएगा। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं, उनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर अपने नोटबुक में लिखिए। आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्या आपको सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? सूर्य छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब इसका स्विच दबाते हैं तब यह प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? विद्युत सेल। टॉर्च के बल्ब को विद्युत विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसके एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क होती है। इस तरह विद्युत सेल के ऊपरी एक धन चिन्ह तथा एक ऋण चिन्ह देखा है। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा, धातु का डिस्क ऋणात्मक सिरा होता है। सभी विद्युत सेल में दो सिरे होते हैं जिसमें एक धनात्मक टर्मिनल सिरा, दूसरा होता है ऋणात्मक। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तब उस विद्युत सेल को एक नई विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब कांच के आवरण के अंदर क्या होता है देखते हैं। टर्मिनल ये आपका तंतु है। चित आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकरणों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा, चेतावनी देखा होगा कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से ना किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों एवं सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि सुबह जनित पोर्टेबल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी ही खतरनाक होती है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। क्रियाकलाप एक, एक टॉर्च लीजिए, इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं? क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? यह टॉर्च को स्विच दबाइए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त होता है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को हम लोग तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है।
जैसे 12B में दर्शाया गया। इस प्रकार दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को न छूएं। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत बल्ब दोनों ही दो टर्मिनल होते हैं। इनमें ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं, देखते हैं आगे। यहाँ चेतावनी देख लेते हैं। विद्युत सेल दो टर्मिनलों से जुड़े तारों की को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति के बीच जोड़े बिना आपस में कदापि ना फैलें। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा। बात करते हैं विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं, क्रियाकलाप दो। विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के चार टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े दो सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाएगा। दो तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे दो बल्ब दो को बल्ब से जोड़ दीजिए। इस तरह बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत टैप बिजली के मिस्त्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली उस सेल के लिए रबड़ बैंड या टैप का उपयोग कर सकते हैं। अब बल्ब विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न ढंगों से जोड़िए, जैसा कि 12:5 में विद्युत सेल तथा बल्बों को जोड़ने की प्रक्रिया विभिन्न व्यवस्थाएं। इस प्रकार 12:1 प्रत्येक व्यवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त है या नहीं, प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या ना लिखिए। अब उन व्यवस्थाओं को ध्यान में देखिए जिनमें बल्ब दीप्त होता है। इस व्यवस्था की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होता है। क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं, चित्र 12:5:1 में विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अंदर बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए। इस कार्य को चित्र 12:5 की तरह शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है। बात करते हैं विद्युत परिपथ। क्रियाकलाप दो में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए एक विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा है। ध्यान दीजिए 12:5 में इस तरह तथा 12F ये आपका F क्या है F ठीक। व्यवस्थाओं के में विद्युत सेल दो टर्मिनल बल्बों के दो टर्मिनलों से जुड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी विद्युत परिपथ में चित्र 12:6 में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनल को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रभावित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होती। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए, इसका तंतु अक्षुण्ण या टूट जाता है, अलग हो जाता है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिवर्तन टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रभावित ना होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं हो पाती है। क्या आप बता सकते हैं कि 12B 12C 12.5 BCDE में
आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं हुआ? अब हम ज्ञात करते हैं कि विद्युत सेल का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान कैसे किया जाता है। क्या आपने अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? एक टॉर्च बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटाइए, बारह सांप की तरह। दर्शाए गए अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर इस तरह चारों ओर लपेटिए। तार के दूसरे सिरे को रबर बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्तिमान होता है? अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाइए। क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित है? क्या यह टॉर्च को ऑन ऑफ करने का के समान नहीं है? है। अब बात करते हैं विद्युत स्विच। घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते तथा हटाते। यह एक साधारण विद्युत स्विच था, इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सेल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। आप दो ड्राइंग पेन पिन एवं एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप, दो तार तथा थर्मोकॉल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्मोकॉल सीट पर गाड़ दीजिए, जैसा कि चित्र 12.8 में दिखाया गया है। इस तरह साधारण यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूमे। आप दूसरे ड्राइंग पिन को थर्मोकोल सीट पर इस तरह लगाइए कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। अब विद्युत सेल बल्ब तथा स्विच को 12.9 में दशाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाए कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। आप क्या देखते हैं? इस तरह 12, ठीक है। आप देखते हैं कि सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाए, क्या बल्ब अभी भी जलता रहा है? जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। तब इस स्थिति को स्विच को ऑन कहते हैं। चूंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रभावित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब दीप्तिमान होता है, ठीक है। ऑन स्थिति में स्विच इस तरह होगा, देख लीजिए जुड़ा रहेगा, ठीक है। दोनों इसी तरह तो हमारे यहाँ के जो स्विच ऑफ होते हैं, स्विच ऑन इसी तरह तो लगे होते हैं। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरे ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता है तथा परिपथ पूरा नहीं होता है। इस दशा स्थिति में स्विच ऑफ कहा जाता है इसे। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने या अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक, हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग किए थे। मान लीजिए कि परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि इस अवस्था में भी बल्ब दीप्तिमान होगा? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है, आइए इसका भी हम लोग पता कर लेते हैं। क्रियाकलाप चार के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको 12.12 के अनुसार दो स्वतंत्र तारों के सिरों सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाइए, इस तरह एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या बल्ब जलता है? अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के प्रयोग में ला सकते हैं। ये विद्युत धारा प्रभावित करते हैं अथवा नहीं? ये आपकी विद्युत सेल है, स्लाइड स्विच है, आपका प्लास्टिक का आवरण परावर्तक,
ये आपका बल्ब लगा हुआ है, जैसे ही ये जुड़ता है बल्ब जल जाता है, स्विच यहाँ से स्लाइड स्विच रहता है, इन्हें दो को जोड़ता है, जैसे ही जोड़ेगा इसका मतलब जल जाएगा। टॉर्च जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के, कॉक, रबड़ कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्यूमिनियम की बत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकोल कागज, पेंसिल की लीड आदि एकत्रित कीजिए। चालक परिच्छेद के चारों तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी बारी करके स्पर्श करें। ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श ना करें। क्या हर बार बल्ब जलता है? चाबी धातु से आपका बल्ब चलता है और रबड़ से आपका नहीं जलता है। इसी तरह प्लास्टिक से नहीं जलेगा, कांच की सुई से नहीं जलेगा, लोहे की कील से जलेगा। ठीक, जो भी धातु है उससे जल जाता है। आप क्या पाते हैं? परीक्षण के लिए उपयोग की गई कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इसका अर्थ है कि यह पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रभावित नहीं होने देते। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उसे विद्युत चालक कहते हैं। अब याद रखिए, विद्युत चालक की परिभाषा के लिए इतनी कहानी गढ़ी गई है। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत चालक। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते। ठीक, उन पदार्थों के नाम बताना है जो विद्युत चालक हैं, उन पदार्थों के जो विद्युत रोधक हैं। आपने क्या निष्कर्ष निकाला है? कौन से पदार्थ विद्युत के चालक हैं और कौन से विद्युत के रोधक? अध्याय 4 है कि उन पदार्थों को स्मरण करें जो चमकदार होते हैं, क्या वे विद्युत चालक हैं? अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्यूमिनियम तथा अन्य धातुओं का क्यों उपयोग होता है। आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें, जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। जब स्विच खुली स्थिति में है तब क्या दो ड्राइंग पिन थर्मोकोल सीट से जुड़े हुए नहीं थे? परंतु आप जानते हैं कि थर्मोकोल एक विद्युत रोधक है। रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब क्या होता है? क्योंकि स्विच के दो ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु भी आपकी विद्युत रोधक है। विद्युत चालक और विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत बल्ब, रॉकेट, सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लगों के ऊपर के भाग, स्विच, विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाना के लिए रबड़ तथा प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरती है। तो इसमें हम लोगों ने इस अध्याय में क्या क्या दिखा है? बल्ब देखा है, विद्युत चालक देखा है, विद्युत सेल भी देखा है, विद्युत परिपथ देखा है, तंतु देखा है, विद्युत रोधक देखा है, टर्मिनल देखा है, स्विच देखा है, टर्मिनल देखा है। याद रखिए, अगर अध्याय पूरा खत्म करने के बाद अगर आपको इन शब्दों की परिभाषा या ये शब्द क्या होते हैं इनके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होती है या नहीं समझ पाते हैं तो आपने अध्याय अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है, एक बार और पढ़िए, आपको आराम से पता चल जाएगा। इसमें जो सारांश दिया गया ये अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट में पता तो चल जाता है कि आखिर इस अध्याय में क्या दिया गया था। विद्युत सेल विद्युत का एकमात्र एक स्रोत है। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रभावित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो जाता है, उठता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रभावित होती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रभाव को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है वे विद्युत के चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधक। ये आपके अभ्यास के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। PDF वैसे भी आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड कर लेना।
तो ये था आपका 12वां चैप्टर। आगे हम बात करेंगे 13वें में, चुम्बकों द्वारा मनोरंजन। ठीक है।